सोने तो मन हमारे शो में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। सबसे पहले तो जितना बैकलॉग है उसको दिया जाए कई करोड़ नौकरियां। मुझे नहीं लगता समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर ऐसा बचेगा कि अगर ये चोरी की नौकरियां वापस लेने का आंदोलन हमारा सफल होगा तो एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसको नौकरी ना हो और अच्छी नौकरी ना हो, क्योंकि अच्छी अच्छी नौकरियां ही करोड़ों में हैं। पहला काम है हमारा बैकलॉग के लिए संघर्ष करना। दूसरा काम है हमारा SC ST सब प्लान, जिसके माध्यम से हर एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ मिल सकता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उसके लिए आंदोलन करना। ये 2 आंदोलन है। तीसरा काम है हमारा प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है, ये भी तो हकमारी हुई है ना, ये भी तो चोरी हुई है हमारी सीटों की, तो उसके अंदर भी रिजर्वेशन कराने का और ऊपर से लेकर नीचे सब जगह रिजर्वेशन कराने का, ये 3 मुद्दे हमारे हैं। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि देश के जो वाल्मीकि समाज है उसमें कम से कम अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस को, परम आदरणीय जजेस को इतनी चिंता हो रही है वाल्मीकि समाज की, तो कम से कम जो उनका जो आज वो मजबूर हैं उनको 1-1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए सफाई करने की, जो डॉक्टरों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उनकी नौकरियां तो पक्की कर दें, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दें जो कि अपने आप में एक गैर कानूनी काम है। यदि ऐसा नहीं करते तो हम इसके लिए आंदोलनरत हैं और जैसे ही ये होगा तो हम चौथी चीज, पांचवी चीज ये करने वाले हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनको हर एक को ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जाए, भले ही उनकी कितनी भी उम्र हो, उनको 2-2 साल के ग्रेजुएशन का कोर्स में, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो या ऑफलाइन कोर्सेज हो, उसमें हर एक को ग्रेजुएट बनाया जाए अगले 2 साल में, ताकि जो करोड़ों नौकरियां आने वाली हैं उसमें जो कैंडिडेट कम पड़ेंगे उनको कैंडिडेट भी मिल जाए। ये 4-5 मुद्दे हैं। तमाम मांगे तो सर हमने आपको सुन ली हैं, आप बोल भी रहे हैं, लेकिन इससे भारत बंद से क्या फायदा होगा? भारत सोते जो सोने का नाटक कर रहे हैं ना सब, जानबूझ के जिन्होंने ये चोरी डकैतियां की हैं उनको ये बताने के लिए कि जो तो तुम आंख मूंद के बैठे हो और ये जो कान में रुई डाल के बैठे हो ये हमें पता है तुमने जानबूझ के डाली है, आंखें खोलो, कान खोलो, जनता आ रही है, मजबूर मत करो हमें कि हम तुम लोगों को अपने पदों से हटाएं और ईमानदार और शरीफ लोगों को लाएं एक पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से। ये साफ साफ बात है, देश में ना प्रधानमंत्री ऊपर है देश की जनता ऊपर है, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश की जनता से ऊपर है। हमें मजबूर ना करें इस प्रकार की जजमेंट्स, इस प्रकार के फैसले देके कि हम आपको पीसफुल तरीके से अपने पदों से हटाएं और ईमानदार लोगों को लाएं, हम नहीं चाहते। सर इसका क्या लगता है, इसका क्या मकसद होगा कि SC ST OBC अब बट जाएंगे आने वाले दिनों में? अगर मर गए बांटने वाले, हमें, हम लोग पागल हैं, मर गए बांटने वाले, जो लोगों को कुछ समय के लिए, हमारे कुछ लोगों को जो बहकाया गया है ना, वो कब पता लग जाएगा? अभी 1 महीने में पता लग जाएगा, 2 महीने में लग जाएगा, 3 महीने में लग जाएगा, उन्हें 6 महीने में लग जाएगा ना। किसी को एक भी नौकरी नहीं मिली, बल्कि जो पुरानी नौकरियां थी वो भी छिन गई, उतनी परसेंटेज भी नहीं, तो तब वो हमारे साथ आ जाएंगे। वो हमारे भाई हैं, उनके प्रति हमारा ज्यादा जिम्मेदारी है, हम उनके लिए लड़ेंगे भी और उनके लिए अपनी जान भी दे देंगे, वो हमारे भाई। प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि ये तो क्रीमी लेयर जैसा कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, तो प्रधानमंत्री अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहते हैं तो ये भी तो क्रीमी लेयर ही है। ये जजमेंट तो सारी क्रीमी लेयर की बात है ना, कि समाज का एक होमोजीनियस जो जजमेंट है, एक होमोजीनियस समाज है, उसमें से कुछ लोगों को आप बता रहे हो कि वो तो आगे निकल गए और बाकी पीछे निकल गए, और क्या क्रीमी लेयर होता है? प्रधानमंत्री जी सबको धोखा दे सकते हैं, अंबेडकर वादियों को नहीं दे सकते। क्रीमी लेयर है तो ये सब कैटेगराइजेशन भी क्रीमी लेयर ही तो है, और क्या है? लेकिन इससे क्या लगता है प्रधानमंत्री झूठे हैं? प्रधानमंत्री झूठे हैं? नहीं, वो तो है ही झूठे, नहीं झूठे तो है ही। अच्छा प्रधानमंत्री जी, आपने, मैंने सही सुना है या गलत, पहले ये बताइए, आपने झूठे बोला था? झुक गए हैं। अच्छा, झूठा आदमी झुक भी जाता है कई बार, हर बार जो झूठा आदमी होता है ऐसा नहीं कि तना ही रहेगा, अब झूठे आदमियों के झुकने का टाइम आ गया है, तो प्रधानमंत्री अगर झूठे हैं तो ज्यादा जल्दी झुकेंगे, और अगर सच्चे होने का उनको कोई एक तरह से कोई उनके अंदर एबरेशन आएगी जो आज तक कभी नहीं आई सच बोलने की, तो तब भी झुकना पड़ेगा। आप आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है टीवी चैनल पर आप उनके फीस का इंतजाम, किसी भी ईमानदार चैनल पर चढ़ेगी? ये टेस्ट है, टेस्ट है, जो हमारी खबर नहीं चला रहा, जो आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस वक्त है, जो लोग चोर, बेईमान, डकैत और क्रिमिनल्स हैं, उन चैनल्स में नहीं चलेगा। और
आखिरी खबर जिस अखबार में आएगी वो भी चोर बेईमान और क्रिमिनल है। जिसके ऊपर ये सबसे बड़ी खबर नहीं आती हमारी, वो क्रिमिनल है, वो चोर है, वो बेईमान है, वो भारत के दुश्मन है, चाइना और पाकिस्तान के एजेंट है। और कोई टेस्ट चाहिए? ये तो आप पीछे देखिए, एक मिनट पीछे देखिए, पीछे देखिए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ जब ये हालत है तो पूरे देश का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे बड़ा सफल आंदोलन 2018 में 2 अप्रैल को ही हुआ था। CNRC का जो आंदोलन था ना, वो भी मुझे लगता है इस आंदोलन के आगे छोटा पड़ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसके ये मुझे लगता है शायद जजिस को अरेस्ट करने तो नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं। ये तो इनसे पूछो आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पे, हम तो पीसफुल लोग हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में किसी को अरेस्ट करने आया, ये तो इनसे पूछो आप, हमें क्या पता। अगर हम संविधान की रक्षा करते हुए अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं, गोली खाते हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि हम भी भगत सिंह के मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं। ये तो हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। आगे क्या करेंगे? आंदोलन आंदोलन और आंदोलन सिंबॉलिक। बिल्कुल, 4-5 मुद्दे बताए ना, वो लिए जाएंगे। इन्होंने हमारा टेम्परेचर चेक किया है, अब हम इनका टेम्परेचर चेक करेंगे। अब आप पूछते हैं कि क्या डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, एंड 7 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट इनक्रॉस पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरी चीज, आप कहते हैं भारत बंद नहीं है, अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो अपनी सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं कि हम भी इस बंद के अंदर है और हम इसमें शामिल है। तो आप पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको एक जजमेंट का एक पार्ट बताता हूँ। पंकज मित्तल साहब ने अपनी जजमेंट के पेज नंबर 40 पे ये कहा है कि वर्ना सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि जो जजेस हैं उनकी हमें पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए, हमें उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन चाहिए। वी आर हेयर टू टेक द कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन ऑफ एनी जज, वी डोंट थिंक। अगर कोई जज ये बोलता है कि मोरनी जो है मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है तो वो इनकम्पिटेंट है। जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोलते हैं कि सरकार चाहती है सब क्लासिफिकेशन हो, तो सब क्लासिफिकेशन अगर डिसाइड होगा तो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होगा, ना कि जजिस के द्वारा डिसाइड होगा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हमें इंटेंशन और डिबेट्स पढ़नी पड़ेंगी, और जो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट वापस लेना होगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक जजमेंट है जो कि जबरदस्ती शेड्यूल कास्ट लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उसमें प्रेसिडेंट भी अमेंड नहीं कर सकते, तो ये पावर स्टेट को देकर सुप्रीम कोर्ट ने गलती की। देखिए, ये आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मिशन जय भीम से भी लोग हैं, और जन आंदोलन है। और आज आप ये मानिए कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में अगर सबसे बड़ा आंदोलन कोई है तो वो आज 21 अगस्त 2024 का आंदोलन है, जब कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक आरक्षण समर्थक जो हैं सड़कों पर हैं। और ये कोई आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली और पीसफुली लेके रहेंगे। क्यों असफल हो गया? क्या आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब आगजनी होता है? आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब हिंसा होता है? आज यहाँ सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो खड़े हुए हैं, आप इसको असफल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? आप ये सोचते हैं कि 2 अप्रैल 2018 में जैसे 13 शेड्यूल कास्ट के युवा शहीद हुए, हम लोग भी गोलियां खाएं? आज बाबा साहब के बच्चे जो हैं वो संविधान को मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम जो ये प्रोटेस्ट है वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनली ही करेंगे। अब आगे आप लोगों